अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई और मध्य प्रदेश अध्यक्ष रजनीश सिंह प्रदेश प्रभारी चंद्र प्रकाश वाजपेयी के निर्देशन पर पूरे जिले में महंगाई के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में श्री मारवा नगर में कांग्रेस सेवा दल द्वारा शहर के आम नागरिक व्यापारी छोटे व्यवसायियों से हस्ताक्षर करवाए गए और उनसे बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर उनकी राय ली गई और सभी जनता ने एक स्वर में बढ़ती महंगाई को गलत बताया। और कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा आए दिन पेट्रोल डीजल खाने के तेल और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम रोज बढ़ाए जा रहे हैं, जिनका विरोध हस्ताक्षर अभियान चलाकर किया जा रहा है। प्रदेश महासचिव राधे श्याम पटेल ने कहा कि बढ़ती महंगाई से आम जन परेशान हैं, दुखी हैं। इस अवसर पर कांग्रेस नेता समीर शर्मा ने बताया है कि केंद्र और राज्य की सरकारें आम नागरिकों को लूट रही है। इस अवसर पर राधेश्याम पटेल और जितेंद्र सिंह सोलंकी, सुनील कलवानी, समीर शर्मा, महेश बरखेड़िया, अजय रघुवंशी, रोशन कावड़े, साथ ही में आकाश तार, वीरेंद्र सिंह राजपूत, विकास राजपूत, सोनू राजपूत, जेपी नागरे और साथ ही में दीपक राजपूत आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिवनी मालवा से संतोष चंदेल की रिपोर्ट।